नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नवीन श्रृंखला, तुलसीकृत कवितावली के उत्तर कांड की व्याख्या, जो UPSC सहित अनेक राज्यों की अकादमिक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। आइए चलते हैं तुलसीकृत कवितावली के उत्तर कांड की ओर। मित्रों, कवितावली के उत्तर कांड में 183 छंद है, साथ ही हनुमान बाहु के 44 छंद भी इसके परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए हैं। ये सभी छंद विविध विषयों से संबद्ध हैं। इस कांड में कोई कथानक नहीं है, इसमें राम के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की स्तुति के भी पद मिलते हैं। अतः कवितावली का यह कांड कथानक की दृष्टि से मानस के उत्तर कांड से तुलनीय नहीं है। उत्तर कांड का प्रारंभ ही राम की कृपालुता से होता है। बालिसो वीरु बिदारी सुकंठु थप्यो हर से सुर बाजे ने बाजे। इसी प्रकार अंत में राम भक्ति की याचना की गई है। आगे सीता का वन प्रसंग दिया गया है। मित्रों, कवितावली की साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो कवितावली में छंदों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो राम कथा से संबंधित हैं और दूसरे वे जो अन्य विविध विषयों के हैं। समस्त छंद 7 खंडों में विभक्त है। प्रथम प्रकार की छंद रचना लंका कांड तक है और द्वितीय प्रकार के छंद उत्तर कांड में है। कवितावली का काव्य शिल्प मुक्तक काव्य का है। उक्तियों की विलक्षणता, अनुप्रासों की छटा, लयपूर्ण शब्दों की स्थापना कथा भाग के छंदों में दर्शनीय है। मित्रों, प्रीति काल में यह काव्य शैली बहुत लोकप्रिय हुई और इस प्रकार तुलसीदास इस काव्य शैली के प्रथम कवियों में से ज्ञात होते हैं। फिर भी उनकी कवितावली के छंदों में पूरी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। कुछ छंद तो मुक्तक शिल्प की दृष्टि से इतने सुंदर बन पड़े हैं कि उनसे सुंदर छंद पूरे रीति साहित्य में भी कदाचित ही मिल सकेंगे। जैसे बालकांड के प्रथम 7 छंद। कवितावली के रचना काल की बात की जाए तो मित्रों, हिंदी रीति धारा का प्रारंभ केशव की कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया से माना जा सकता है। हो सकता है कि कवितावली के अधिकतर छंद इनके रचना काल के आसपास और बाद के हों। आत्मोल्लेख के जो छंद उत्तर कांड में आते हैं उनमें भी तुलसीदास के कवि जीवन के उत्तरार्ध की ही घटनाओं का उल्लेख हुआ है। कुछ छंद तो कवि के जीवन के बिल्कुल अंत समय के ज्ञात होते हैं और इसलिए कवितावली के छंदों का रचना काल 1655 से 1680 तक ज्ञात होता है। कवितावली की रचना तिथि का उल्लेख नहीं हुआ है। इसकी जो भी प्रतियां अभी तक मिली हैं, उनके छंदों तथा छंद क्रम में अंतिम कुछ छंदों को छोड़कर कोई अंतर नहीं मिलता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसका संकलन कवि ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था। उसके देहावसान के बाद जो कवित्व सवैये और भी प्राप्त हुए, उन्हें रचना के अंत में जिस प्रकार वे प्राप्त होते गए लोगों ने जोड़ दिया। इसलिए अंत के कुछ छंदों के विषय में प्रतियों में यह अंतर मिलता है। आइए मित्रों, चलते हैं कवितावली के उत्तर कांड की ओर और उसे समझने का, उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम छंद सवैया छंद है, जिसमें राम की कृपालुता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाली सो बीरु बिदारी सुकंठु थप्यो हर से सुर बाजने बाजे। पल में दल्यो दास रथि दस कंधरो लंक विभीषण राज विराजे। राम सुभाव सुने तुलसी हुल से अलसी हम से गल गाजे। कायर कुर कपूतन की हद तेउ गरीब ने वाज ने वाजे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बाली से वीर को मारकर सुग्रीव को जिसने राज पर बिठाया कि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर बाजे बजाए। पल में रावण को रामचंद्र ने मार डाला और लंका के राज पर विभीषण को बिठा दिया। और रामचंद्र के स्वभाव को तुलसीदास सुनकर प्रसन्न होता है कि हमसे आलसियों को गले लगाया, अथवा ऐसे आलसी भी प्रसन्न होने पर बड़े बल से गरजे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का स्वभाव सुनकर आलसी प्रसन्न हुए कि बिना परिश्रम ही तर जाएंगे। कायर कूर कपूतों की जो हद थे, उन गरीबों को भी गरीब निवाज ने निवाजा, अर्थात अनुग्रहित किया। अगला छंद है वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनि तुआवे। दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूरी हिते सिरुनावे। ऐसे उभाग भगे दस भालते जो प्रभुता कवि को विद गावे।
राम से बाम भये ते ही बाम ही बाम सबे सुख संपत्ति लावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस रावण के यहाँ डर से ब्रह्मा रोज वेद पढ़ते थे और महादेव नित्य पूजा कराने आते थे, सब दानव देव दीन और दुखी होकर रोज दूर ही से सिर नवाया करते थे, ऐसे भी रावण का भाग्य भाग गया अर्थात उसे छोड़ गया कि जिसकी प्रभुता को कवि और पंडित सदा गाते रहते थे। सीता सहित रामचंद्र के बाएं होने से अर्थात रामचंद्र जी के वाम अर्थात खिलाफ होने से उस वाम अर्थात टेढ़े की सब संपदा उल्टी हो गई। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुर लोक उजारो, और कहा कहोती हरि तब हूँ करुणा कर कोप न धारो, सेवक छोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, तोलो न ताप दल्यो दस कंधर जोलो विभीषण लात न मारो। अर्थात जिसने वेद के विरुद्ध कार्य किया, पृथ्वी मुनि और साधु को शोक सहित किया और सुरलोक को उजाड़ दिया, औरों का तो क्या कहना, जब रामचंद्र की स्त्री को भी हर ले गया तब भी कृपा करने वाले रामचंद्र ने क्रोध न किया परंतु दास के कारण क्षमा को छोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, आपका स्वभाव खूब पहचाना है, तब तक रावण के अहंकार को नष्ट नहीं किया जब तक उसने विभीषण को लात नहीं मारी। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी कपीस कियो जग जानत जैसो, नीच निसाचर बैरी को बंधु विभीषण कीन पुरंदर कैसो, नाम लिए अपनाई लियो तुलसी सो कहे जग कौन अनैसो, आरत आरती भंजन राम गरीब ने बाजन दूसर ऐसो। अर्थात शोक के समुद्र में डूबते सुग्रीव को निकालकर जैसा किया वैसा संसार जानता है, नीच निशाचर और बैरी के भाई विभीषण को कैसा इंद्र का सा कर दिया, तुलसीदास जी सा और अनैसा अर्थात खराब संसार में कौन है, नाम लेने से उसे भी अपना लिया, आरत के दुख को हरने वाले राम है, उनके जैसा गरीब निवाज दूसरा नहीं है। अगला छंद है कि मीत पुनीत कियो कपि भालु को पालो जो काहुन बाल तनु जो, सज्जन सीव विभूषण भो अजहु बिल से बर बंधु बधो जो, कोसल पाल बिना तुलसी सर नागत पाल कृपाल न दूजो, क्रूर कुजाति कपूत अघि सब की सुधरे जो करे न रुपुजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपि और भालू को पवित्र और मित्र बनाया और ऐसा पाला जैसे कोई अपने पुत्र को भी नहीं पालता है, विभीषण सज्जनों की मर्यादा हो गया जो आज तक अपने भाई की स्त्री से विलास करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना कौशल के राजा रामचंद्र के और दूसरा शरणागत का पालने वाला नहीं है, जो मनुष्य पूजा करे वह चाहे जैसा क्रूर कुजाति कपूत और पापी क्यों न हो उसकी भी सब समझ जाती है। मित्र तनुजो अर्थात तन से उत्पन्न अथवा पुत्र। अगले चंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तीय सिरो मनि सीय तजी जही पावक की कल साई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तजो पुर लोगनी की विधि बोली कही है, किस निसाचर की करनी न सुनी न बिलो की न चित रही है, राम सदा सर नागत की अनको ही अनैसी सुभाय सही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियों में श्रेष्ठ सीता जी को त्याग दिया जिसके पाप को अग्नि ने जला दिया था अर्थात जिसको अग्नि ने पवित्र कर दिया था अर्थात जिसने अग्नि की कालोंच को हर लिया था। मित्रों अग्नि सबके पाप हरती है, उसकी कालोंच को भी सीता जी ने प्रवेश करके हर लिया था, धर्म धुरंधर भाई को छोड़ दिया, नगर वासियों को बुलाकर विधि ने कही अर्थात सीख दी अर्थात अयोध्या वासियों को छोड़ दिया, और विधि को बुलाकर कहा कपि अर्थात सुग्रीव और निशाचर अर्थात विभीषण की करनी को न सुना न देखा न विचारा, राम ने सदा शरणागत की अनख देने वाली बातों और बुराइयों को भी सहा है। अगले छंद में
तुलसीदास जी कहते हैं कि अपराध अगाध भय जनते अपने उर आनत नाहीन जो, गनि कागज गीध अजा मिल के गनि पातक पुंज सिराहीन जो, लिए बारक नाम सुधाम दिए जही धाम महामुनि जाहिन जो, तुलसी भजु दीन दयालु हीरे रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। अर्थात सेवक से भारी अपराध पड़ने पर भी मन में नहीं लाते हैं, गणिका गज गीध और अजामिल के पापों के ढेर को गिनकर भी उनकी सराहना की, अर्थात उनके ऐसे पाप जो समाप्त नहीं होते, अर्थात अनगिनत पापों को देखकर भी एक बार नाम लेने से उनको वह धाम दिया जहां मुनि भी नहीं पहुंचते। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन दयालु रघुनाथ जी का भजन कर जो अनाथ को सदा दाहिने रहते हैं। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरि खंभ महा, झक राज ग्रसो गज राज कृपा तत्काल विलंब कियो न कहा, सुर साखी दे राखी है पांडु वधु पट लूटत कोटिक भूप जहां, तुलसी भज सोच विमोचन को जन को पन रामन राख्यो कहा। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने प्रहलाद की बात को सच्चा किया, खंभ में से नृसिंह रूप प्रकट हुए, जब मगर ने गजराज को ग्रसा तो क्षण भर भी देर न की तत्काल कृपा की, जब द्रौपदी का वस्त्र लूटा जा रहा था जहां करोड़ों राजा थे तो आपने उसकी लज्जा रखी जिसके देवता साक्षी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सोच के छुड़ाने वाले राम की शरण जा, उन्होंने सेवक की बात को कहां नहीं रखा। अगला छंद है नर नारी उघारी सभा में होत दियो पट सोच हरियो मन को, प्रहलाद विषाद निवारण वारण तारण मीत अकारण को, जो कहावत दीन दयालु सही जही भारु सदा अपने पन को, तुलसी क जियान भरोस बजे भगवान भलो करी है उनको। तुलसीदास जी कहते हैं कि द्रौपदी को सभा में नंगी होते देख वस्त्र दिया और मन का सोच हरा, प्रहलाद के दुख को हरने वाले हाथी के तारने वाले बिना कारण ही जो सबके मित्र हैं, जो ऐसे दीन दयाल कहते हैं, यह सही है कि वह अपने प्रण का सदा निर्वाह करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दूसरों की आस छोड़कर ऐसे भगवान का भजन करता है उस सेवक का भगवान भला करते हैं। अगला छंद है ऋषि नारी उधारी कियो सठ केवट नीत पुनीत सुकीर्ति लही, निज लोक दिए सबरी खग को कपि थाप्यो सो मालूम है सबही, दस शीश विरोध सभीत विभीषण भूप कियो जगलीक रही, करुणा निधि को भजुरे तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ सही। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि अहल्या अर्थात गौतम ऋषि की स्त्री का उद्धार करके शठ केवट को मित्र बनाया और अच्छा यश पाया, शबरी और जटायु को अपना लोक दिया, सुग्रीव को राज दिया, ये सभी को मालूम है, रावण के वैर से डरे हुए विभीषण को राजा बनाया जिसका जिक्र पूरे संसार में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया के समुद्र रामचंद्र जी को भेजो जो अनाथों के सच्चे नाथ हैं। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशिक विप्र बधु मिथिलाधिप के सब सोच दले पल माहे, बाली दसानन बंधु कथा सुनी शत्रु सुसाहिब सील सराहे, ऐसी अनूप कहे तुलसी रघुनायक की अगुनी गुन गाहे, आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करे निज हाथ की छाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र, विप्र बधु अर्थात अहल्या और जनक के सब सोचों को पल भर में नाश किया, बाली और रावण के भाइयों की कथा सुनकर वैरी भी साहब अर्थात श्री रामचंद्र के शील की सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की कथा ऐसी अनुपम है कि अगुणी भी गुण ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात राम निर्गुणियों में भी गुण देखते हैं, यह उनकी अनुपम बात है। आरत अर्थात दुखी तीन और अनाथों पर राम अपने हाथों की छाया करते हैं,
अर्थात उनकी रक्षा करते हैं। अगला छंद है कि तेरे बेसाहे बेसाहत औरने और बेसाही के बेचन हारे व्योम रसा तल भूमि भरे निपकुर कुल साहिब संत हूँ खारे तुलसी ते ही सेवत कौन मरे रज ते लघु को करे मेरु ते भारे स्वामी सुशील समर्थ सुजान सो तू ही दशरथ दुलारे। अर्थात तेरे मोल लिए और मोल लेते हैं, अर्थात जिसे तुम मोल ले लेते हो वह औरों को भी खरीद सकता है, औरों को भी मोल ले सकता है, और सब मोल लेकर बेचने वाले हैं। आकाश पृथ्वी और पाताल में बहुत से राजा भरे हैं, परंतु क्रूर हैं और मुफ्त में भी कड़वे हैं, अर्थात कुसाहिब हैं, व्यर्थ में ही खार रखने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी सेवा में कौन मर सकता है, अर्थात कोई नहीं। कौन है जो कण से भी छोटे को मेरु से भी भारी करने वाला है। दशरथ के दुलारे तुझ सा सुशील स्वामी समर्थ और सुजान बस तू ही है। मित्रों, 13वां छंद घनाक्षरी छंद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जातु धान भालू कपि केवट बिहंग जो जो पाल्यो नाथ सद्य सो सो भयो काम काज को आरत अनाथ दीन मलिन शरण आए राखे अपनाई सो स्वभाव महाराज को नाम तुलसी पे भोंडे भाग सो कहायो दास कियो अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को साहिब समर्थ दशरथ के दयालु देव दूसरों ने तो सो तू ही अपने की लाज को। तो तुलसीदास कहते हैं कि राक्षस अर्थात विभीषण, भालू अर्थात जामवाल, बंदर अर्थात सुग्रीव, केवट पक्षी अर्थात जटायु को जो नाथ आपने पाला है उसे मालूम होता है कि इस कामकाज अर्थात पालना करने के कार्य का आपको नशा सा हो गया है, अर्थात आपने जिसे पाला वह तुरंत लायक हो गया। अत्यंत दुखी अनाथ दीन और पापी जो आपके शरण आए उनको आदर अथवा अपना करके रखा, यह महाराज का स्वभाव ही है। नाम तुलसी है और भाग्य का भोंडा हूँ परंतु दास कहलाया हूँ। आपने ऐसे बड़े दगाबाज को भी सेवा में स्वीकार किया है। हे दशरथ के दयालु लाल, आपसा समर्थ मालिक दूसरा नहीं है जो अपने दास की लाज रखता हो। मित्रों, 14वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं महाबली बाली दली कायर सुकंठ कपि सखा किए महाराज होने का हुकाम को घात घात पात की निशाचर शरण आए कियो अंगीकार नाथ ऐते बड़े बाम को राय दशरथ के समर्थ तेरे नाम लिए तुलसी से क्रूर को कहते जग राम को आपने नेवाजे की तो लाज महाराज को स्वभाव समुझत मन मुदित गुलाम। मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े बलवान बाली को मारकर कायर सुग्रीव को जो किसी काम का नहीं था महाराज ने अपना सखा बनाया, अथवा जिस सुग्रीव को आपने सखा बनाया वह भी किसी काम का नहीं था और मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। भाई का घात करने वाले पापी राक्षस को ऐसे बड़े पापी को भी शरण में आने पर नाथ ने अंगीकार किया। हे दशरथ के समर्थ लाल, तेरा नाम लेने से तुलसी से क्रूर को यह संसार भर राम का बताता है। अपने निवाजे की अर्थात जिस पर एक बार कृपा की उसकी महाराज को लाज है। आपका स्वभाव समझकर ही गुलाम का मन प्रसन्न है। 15वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि रूपशील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को दया निधान जान मन वीर बहु बोल को और श्राद्ध की गीत को सराहे पल सबरी के सीला साप समन निभायो नेह काल को तुलसी उराऊ होत राम को सुभाव सुनी को न बलि जाई न बिकाई भी न मोल को ऐसे हुसु साहेब सो जाको अनुराग न सो बड़ो ही भागो भाग भागो लोभ लोल को। मित्र, तुलसीदास जी कहते हैं कि आप रूप शील और गुण के समुद्र हो, दीन के बंधु हो, दया निधान हो, जानने वालों में श्रेष्ठ हो, वीर हो और शरणागत पाल हो। आपने जटायु नामक गीत का श्राद्ध किया, शबरी के फल की प्रशंसा की, शिला अर्थात अहल्या के श्राप की शांति की और कोल अर्थात निषाद के प्रेम को निभाया। तुलसीदास राम के स्वभाव को सुनकर रोमांचित होता है, उस पर कौन न बलि जावे और कौन बिना मोल न बिकावे।
ऐसे साहेब से जिसका प्रेम नहीं है वो बड़ा अभागा है। उसका मन लोभ के वश से चंचल हो रहा है और उसका भाग से छोड़कर भाग गया है। 16वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर सिर ताज महाराजा निके महाराज जाको नाम लेते ही सुखेत होते उसरो साहब कहां जहान जान किस सो सुजान सुमिरे कृपालु के मराल होते खुसरो केवट पसान जा तू धान कभी भालो तारे अपनायो तुलसी सो ढिंग धम दूसरो बोल को अटल बाह को पगार दीन बंधु दूबरे को दानी को दया निधान दूसरो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप बलवानों के सिरताज और महाराजों के महाराज हैं, आपका नाम लेते ही ऊसर खेत भी अच्छा हो जाता है। इस दुनिया में रामचंद्र सा सुजान साहेब कहाँ है कि जिस कृपालु के सुमरन से खुसट भी हंस हो जाता है। केवट पत्थर राक्षस बंदर रीछ सब तारे और तुलसी से धम धूसर धींग अर्थात ऊटपटांग मनुष्य को भी अपनाया। बोल का अटल बाह का अचल दीन का बंधु दुबले को देने वाला हे दयानिधान तुम सा दूसरा कौन है। 17वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कीबे को भी शोक लोक लोक पाला हूं ते सब कहूं को हो न चरवाहो कपि भालु को कवि को पहार कियो ख्याल ही कृपालु राम बापुरो विभीषण घरों धहु तो बाल को नाम ओत लेते ही निखोट होत खोटे खल चोट बिनु मोट पाए भयो न निहाल को तुलसी की बार बड़ी ढील होती सील सिंधु बिगरी सुधारी पे को दूसरो दयाल को। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब संसार को शोक रहित करने को लोकपालों में से भी कोई बंदरों भालुओं का चरवाहा न हुआ अथवा लोकपालों से लोक को शोक रहित करने के लिए कोई बंदर भालुओं को बचाने वाला कहीं नहीं हुआ। ख्याल करते ही अर्थात स्मरण मात्र से ही रामचंद्र ने पवि अर्थात वज्र का पहाड़ उस बेचारे विभीषण को किया जो बालू का सा घरौंदा था अर्थात क्षण में उस बालू की दीवार की तरह नष्ट हो जाता जो लड़के खेलने के लिए बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। राम की आड़ लेते ही खोटे खल भी निखोटे हो जाते हैं बिना ऐब के हो जाते हैं। ऐसा कौन है जो बिना चोट के नाम लेते ही मोट पाकर निहाल हो। मोट अर्थात बहुत सारा धन। तुलसीदास की जब बारी आई तो बड़ी ढील हो रही है हे शील के समुद्र बिगड़ी की सुधारने वाला तुम्हारे बिना कौन है। 18वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लिए पूत को पुनीत कियो पात किस आरती निवारे प्रभु पाही कह पील की छलिन की छोड़ी सी निगोड़ी छोटी जाती पाती कि नीलिन आपू में सुनारी भोड़े भील की तुलसी ओ तारी बबे सारे बोना अंत मोही निके है प्रति तेरा बरे स्वभाव सील की देव तो दया निकेत देत दादी दीनन की मेरी कर मेरे ही अभागनात ढील की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूत का पवित्र नाम लेने से ही पात की अजामिल को पाप रहित किया और हाथी का कष्ट प्रभु पाही कहते ही नष्ट कर दिया। जाति पाति की छोटी निगोड़ी छलियों की लड़की भील की स्त्री अर्थात शबरी को अपने में लीन कर लिया। तुलसी को भी तारना है यह बात मत भूलिए। अंत में मुझे भी अच्छी तरह आपके स्वभाव और शील पर भरोसा है। देव आप तो दया के घर हैं दिनों की दादी अर्थात फरियाद देते हैं अर्थात इंसाफ कर देते हैं। यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरी बारी आने पर आपने ढील ढाल दी है। 19वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे पर पाहन कृपा की रात कोलनी कपीस निसिचर अपनाए नाए मात जो सांची सेवकाई हनुमान की सुजान रावरिनिया कहाए हो विकानता के हाथ जो तुलसी से खोटे खरे होते ओट नाम ही की तेजी माटी मगहु की मृग मत साथ जो बात चले बात को न मानी यो भी लग बली का किसे वरिज के ने वाजो रघुनाथ जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे पड़े पत्थर अर्थात अहल्या को किरात को कोलनी अर्थात शबरी को कपीश अर्थात सुग्रीव को राक्षस अर्थात विभीषण को कृपा करके माथ नवा करके अर्थात सिर नीचा करके अर्थात बिना किसी संकोच के अपनाया। मित्रों इस पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है कि इन सभी को
जिन्होंने माथा नवाया अर्थात आपकी शरण में आए थे, उन सभी को आपने अपनाया। हनुमान की सच्ची सेवकाई देखकर हे सुजानो के श्रेष्ठ, आप उनके कर्जी कहलाए, उनके हाथ बिक गए। नाम की ओट लेते ही तुलसीदास जैसे अभी भी भले हो जाते हैं, जैसे कस्तूरी के साथ में रास्ते की मिट्टी भी महंगी बिक जाती है। बात ही चल गई है तो कहता हूँ बुरा न मानना, पर किसकी सेवा पर रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर हे रघुनाथ जी आपने किल को निवाजा अर्थात सब कुछ दिया, अर्थात आप बिना सेवा ही सभी को अपनाने वाले हैं, सभी को अपना लेते हैं। बीसवें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशिक की चलत पसान की, परस पाए टूटत धनुष बन गई है जनक की, कोल पशु सबरी बिहंग भालु राति चर, परतिन के लाल चिन्ह प्रापति मनक की, कोटि कल कुशल कृपालु नत पाल बली, बात हूँ कि तिक तीन तुलसी तनक की, राय दशरथ के समथ राम राज बनी, तेरे हेरे लोपे लिपि विधि हो गनक की। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र की गति चलते ही अर्थात राम के संग होते ही पत्थर की अहिल्या की पैरों के स्पर्श से बात बन गई और धनुष के टूटने से जनक की बात बन गई। कोल पशु अर्थात मरीज, शबरी पक्षी अर्थात जटायु, भालू राक्षस जो सदा काम के लोभी होते हैं उनको भी स्वर्ग प्राप्त हुआ अर्थात रत्ती भर चाहने वालों को मन भर मिल गया। हे कोटि कला में कुशल, हे कृपा की मूर्ति, हे शरणागत को पालने वाले, तुलसीदास को क्यों नहीं पालते? ऐसे छोटे तिनके की क्या बात है अर्थात क्या ये बड़ा भारी काम है? हे राजा दशरथ के समर्थ सपूत राजमणि रामचंद्र, तेरे देखने से ही ब्रह्मा जैसे गणित जानने वाले का लिखा हुआ भी मिट जाता है अर्थात व्यक्ति का प्रारब्ध मिट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जो एक एक कर्म गिनकर प्रारब्ध बनाता है, ऐसे गणितज्ञ की करनी भी नष्ट हो जाती है। तो मित्रों, यह था कवितावली के उत्तरकांड का प्रथम भाग, जिसमें हमने 20 छंदों की चर्चा की, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।